वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। मतलब पिछले ब्लॉग में मैं आपको बता चुकी हूँ आज हम जा रहे हैं घूमने बहुत दिनों बाद, तो चलो आप भी हमारे साथ एंजॉय करो। कैसे हो आप सब? हम भी बहुत अच्छे हैं। तो तैयार हो चुके हैं दोनों, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से मेरा न्यू पर्स। रेडी हो चुके हैं, इधर आओ, साफ आ रहा है मुँह, ठीक है। और मेरा ये न्यू बैग है 300 रुपये का, कैसा लग रहा है बताओ? हाँ, मुझे पता है मैंने महंगा ले लिया क्योंकि मैं चोर बाजार से नहीं लाई ये वाला बैग, पहली बार अच्छी मार्केट से लाई हूँ, वरना मैं सस्ता लाती। तो चलो हम चलते हैं, अभी बस मैं तैयार हो रही हूँ, नया चूड़ा पहन रही हूँ, थोड़ा चेंज कर रही, इसे ये येलो ही ठीक है, नया पहन रही। निकल रहे हैं जाने के लिए, और देखो हमारे पास कितना सारा सामान है, देखना ज़रा, नोना के डाइपर, घर की डोलची, सब कुछ। वाह, मेरा चश्मा कितना अच्छा लग रहा है, देखना ब्लॉग में मम्मी देखना। वाह, यू सो मलूक लड़का, थैंक यू बोलो। चलो भाई आ गए हैं घर, और मैंने बाल मानी बांधी थी क्योंकि गीले थे, मैं ऐसे ही आ गई थी। और एक बार ईच को देख लो जरा, गंदा मुंह हो रखा है, रेडी होने दे। कोई नहीं, नोना आज मैं तैयार हो गया, तो मुझे पहचान नहीं गाइस। देखो नोना ने आज मम्मा जैसे शॉर्ट्स पहना है, कितना पाला लग रहा है ये बच्चा, नोना मम्मी अंशु को चुप करा लो कि पिटेगा ये। एले मिला बुग्गा चैलेंजर, मामा क्या बोलता है चैलेंजर, राइट बोलो अंशु, बोलिए सा सही हो थी बस। और सडनली एक मेरे सब्सक्राइबर है, मेरे फैन, वो आए मुझसे मिलने, तो मैंने कहा चलो मिलती जाती हूँ अंजी बोलिए। तो अब जाए ये मैं घूमी घूमी बहुत देर का जतन करने के बाद, क्योंकि बाइक पे गर्मी में हालत ख़राब हो जाती है। देखो इसका चेहरा कैसा हो गया, और बाल, मैं तो ठीक हूँ। फाइनली हम पहुँच गए हैं DLF मॉल नोएडा, ग्रेटर नोएडा। चलो अंदर चलते हैं, घूमी घूमी करते हैं। सो गाइस हम आ चुके हैं मॉल में, अब हम ढूंढ रहे हैं, शायद वहाँ पे होगा स्नो वर्ल्ड, पूछती हूँ मैं। वो देख भालू नाच रहा है, भालू नहीं पांडा। ये पांडा चल के जा रहा है, पांडा नहीं है, काय मम्मी मम्मा नहीं, अंशु है, अंशु जा रहा है, मैं इससे मिल लिया, इसका टाइम ओवर हो गया। मम्मी हक कर ले, हक कर ले। क्योंकि हमें अभी वो स्नो वर्ल्ड मिला नहीं है, खराब है कभी स्नो वर्ल्ड मिलने, यहाँ पर भी कपड़े तो भी ऊपर है, ऊपर है। चलिए यहाँ पे हम आ गए सबसे टॉप पे भी, बट यहाँ पे सिर्फ खाने खाने का सौदा है, स्नो वर्ल्ड अभी देखते हैं। फिर हम जाएंगे, पता करेंगे टिकट कितने की है। ये आ गए हम फन सिटी कंप्लेन, हाँ वो रहा। चलो फिर आप लोग भी चलो हमारे साथ। तो हम आ चुके हैं फन सिटी में, हाँ ये सब बस, ये सब है स्पेशली किड्स के लिए, बट अभी हमारे पास किड्स नहीं है, कोई भी किड नहीं है, हम दो आए हैं, हम जा रहे हैं स्मैश में। इधर आओ कौन रहा वो वहाँ पे, तो स्मैश है, हम जा रहे हैं स्नो वर्ल्ड। तो चलो गाइस चलते हैं। ये मैं मुंबई में गई थी, पर हम स्पेशल आए हैं पम्मी के लिए, क्योंकि ये नहीं गए थे पम्मी। स्मैश में क्या है, गेम ऑन, चलेंगे यहाँ देखेंगे क्या है। अभी तो हम जा रहे हैं स्नो वर्ल्ड, चलो चलते हैं। हाय गाइस, पसीने पसीने हो गए क्योंकि यहाँ पे अभी ऑन नहीं है, जैकेट पहन के और शूज देख लो, अब हम रोड बनाएंगे, ये रोड बनाएंगे, बस जा रहे हैं अंदर, और ये अब रोड बनाने का काम मिल गया इन्हें, आगे अभी चलते हैं अंदर। कर लिया एंट्री, और यहाँ पे एंट्री करते ही बर्फ, और ये भैया कैमरामैन, ये पहले यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करते हैं क्या, हाँ मेरा ग्लव्स गिर गया, ले रही हूँ। तो गाइस अब हम यहाँ अंदर आ चुके हैं, और ना यहाँ पे हरियाणवी सॉन्ग चल रहे थे पता है, इसलिए मुझे साउंड ऑफ करके अभी साउंड अपना डालना पड़ रहा है। फिर और ये जो बर्फ़ थी ना काफ़ी स्लिपी हो रही थी, मतलब बार बार गिर रहे थे लोग यहाँ पे सभी,
और आते ही पहले हमने स्लाइड करी एक, मम्मी ने करी, मैंने भी करी, मेरे नेल पे लग गई थी, फिर मैंने दोबारा करी, देखो ये जा रहे मम्मी, और बड़ा डर लग रहा था, मैंने तो आईजी बन कर। ये बर्फ़ बहुत स्लिपी है, देखो ऐसे ऐसे फिसल रहे हैं, मम्मी गए ये वाली राइड पे और बर्फ़ में सब फिसल रहे हैं, बहुत ठंड लग रही है। आपको फ्रंट कैमरा से दिखाती हूँ, मम्मी आने वाले हैं हमारे, हालत ख़राब हो रही है, और मैं अभी झूले पर गई थी और मेरे अंगूठे पर लग भी गई, बहुत दर्द हो रहा है मेरे एक्सटेंशन पे। मम्मी आने वाले हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी यहाँ पर ये मम्मी आ गए, झूला झूल के मैं स्टार्टिंग से बना नहीं पाई, और पता है यहाँ पे गाना चल रहा था, मैं गिर गई। कौन सा गाना चल रहा था? तू प्रेमी मैं प्रेमी, वो वाला गाना चल रहा था। देखो अंकल आंटी डांस कर रहे थे यहाँ पे, और यहाँ पे ना जो भी बर्फ वाले जानवर होते हैं ना, वो सब बने हुए थे, जैसे पता नहीं पेंगुइन कहते क्या कहते हैं, और भी थे, और भी हमने पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाई थी, फिर मैंने इनको कहा इस पर चढ़ो, मैं आपकी फ़ोटो लूँगी, क्योंकि मैं तो चढ़ी नहीं, मैंने ज़्यादा इन्जॉय नहीं करा यार, मैं अकेले बोर हो रही थी, या फिर मुझे मज़ा नहीं आया, या फिर हमें आदत है ग्रुप में जाने की, तो अकेले हम यहाँ पर मैंने इन्हें बोला पीछे बर्फ़ डालो, इन्होंने मेरे मुँह पर ही डाल दी, मैं कहा पागल ही रहना आप। फिर देखो यहाँ पर ये भी बन रहा था, और यहाँ पर ना पता है सारे चढ़ चढ़ के फ़ोटो खिंचाए जा रहे, मम्मी बेचारे कब से लाइन में खड़े थे, ये देखो ये नहीं बाहर आ गया, पर ये फ़ोन इतना गंदा पता ये दिख रहा है क्योंकि इसमें ना वो भर गया है बर्फ का, तो इसमें फ़ोन ख़राब आ रहा है, और अब भी ना उन्होंने फ़ोटो खींची थी यहाँ से लेनी है अपनी फ़ोटो, तो अभी हम लेते हैं अपनी फ़ोटो, दिखाएंगे आपको घर जाके कैसी है। लोग थक गए और हम यहाँ गए फन सिटी, बच गई, आओ स्मैश में देखते हैं क्या है। स्मैश में पता करते हैं कि है क्या क्या, कह रही मम्मी खाने का कहाँ था यार, हम वहीं से तो गए थे याद नहीं आ रहा, तो कह रहे तो मतलब हम दोनों ढूंढ रहे नीचे जाए जा रहे, सबसे नीचे चले गए मॉल में, अब वापस ऊपर जा रहे हैं क्योंकि जहाँ पे स्नो वर्ल्ड था ना उसके वहीं पे अंदर जाके खाने का था, मतलब पहले फूड जोन था, उसके बाद अंदर जाके खाने का वो था, झूले वूले और स्नो वर्ल्ड, ये पागल है कुछ बताते हैं। फूड जोन में आ गए हैं, पर इतनी भीड़ देख के भूख सी मरती जा रही है, बताओ आप ही इतनी भीड़ है, देखो हर जगह कहाँ क्या खाएं, ये वैंगो पे कोई नहीं है बस, बाकी हर जगह ही है। भाई हमें बैठे में 10 मिनट हो चुके हैं, अब ये जा रहे हैं ऑर्डर पूछने की हमारा रेडी हो गया कि नहीं, पता नहीं अभी हुआ है कि नहीं, बट चार अब पता नहीं हो गए इतने आपको हमारे। हम आ चुके हैं बाहर, अच्छा, और अभी हम लोग जा रहे हैं रिक्शा में, चले पार्किंग तक, और कम इन्जॉय किया, ज़्यादा मज़ा नहीं आया, या तो ज़्यादा मज़ा इसलिए नहीं आया कि अच्छा नहीं लगा अंदर, या ज़्यादा मज़ा इसलिए नहीं आया कि हम अकेले थे, है ना, ये हो सकता है। अंशु भी होता साथ में, अंशु को तो टाइम पास कर देते, हाँ। और देखो यहाँ पे नए रिक्शा चले हैं नोएडा, हमने पहली बार देखे हैं, हमारे लोगों को पता होगा, हाँ बैटरी गई है इतनी बढ़िया। एक्सक्यूज मी, बोलो कि ये कहाँ से आएगा, घर रास्ते में है ना, मैंने कहा दो तीन बच्चे छोटे बेचारे, तो उनके लिए हमने आइसक्रीम दी है, वो बोला मैंने ना वो लिया था, वहाँ पे एक बॉय मिल रहा है हवा में जो घूमता है, बच्चा कह रहा आइसक्रीम काट के सारी अच्छी उड़ी मेरी, और इन्होंने मेरे चश्मा पहन लिया, हम जा रहे हैं पार्किंग में से बाइक निकाल के, और गाइस पता है हमको ना दो तीन बच्चे थे, उन्होंने मेरा टॉय ले लिया, तो मैंने एक आइसक्रीम दी छोटे बच्चे को, हो गया कह रहा अरे इसे रहने दो इसे ना खांसी हो रही है मुझे दे दो, मैंने उसे दी, फिर एक आया अरे मैं इतनी चिल्लाई मैंने उसे दी, फिर एक आया वो रह गया, ठीक है, और तुमने पैसे भी नहीं बचे, तो वो बच्चा क्या कह रहा अरे मुझे तो दिला दे, मैंने कहा हाँ अगली बार जब आऊँगी तब दिलाऊँगी तुझे, छोटे छोटे बच्चे थे यार पता, मतलब नन्नू और लड्डू जितने छोटे छोटे ऐसे ही घूम रहे थे गाइस, हमने बिल्कुल मज़ा नहीं करा बिन मज़े के, हम जा रहे हैं घर पे ही जा रहे हैं वापस, इससे अच्छा तो फ्लैट से आके घर पे एक दिन बिता लेते तो टाइम कट जाता यहाँ पे, तो मतलब ठीक ठाक था, 2-3 हज़ार रुपये लगते पर मज़ा कुछ भी नहीं आया ना खाने में और ना घूमने। पार्क में घुमा पार्क 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 पार्क
गलती के भी वही लूटेगा। हाँ बेटू उसका हाथ लड्डू ऐसे नहीं जोर से नहीं जोर से नहीं। हाँ नो ना नहीं नो 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 ओए नहीं बॉल नहीं पकड़ते लड्डू नो नहीं गंदी बात नो ना नो नो गंदी बात क्या दादी नहीं दादू है गंदी बात निकलते बेटा अभी हम घर आ गए हैं और मेरे पापा ड्रिंक कर रहे हैं मम्मी पैक छुपा रही है कि व्लॉग में नहीं दिखाना क्या हो गया पापा कोई बात नहीं बियर है गाइस बस मेरे पापा बियर पीते हैं और देखो कभी पी के नशे में नहीं आते और मेरे पापा सिर्फ आधी बियर पीते हैं मेरे पापा को सिर्फ शौक के लिए मैं पी जाती हूं। नहीं गाइस मैं कभी ड्रिंक नहीं करती तो मेरे पापा को बस शौक है थोड़ी बहुत पीने का और ज्यादा पी लेते हैं तो जाके बाथरूम में बैठ जाते हैं अब देख 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 अब मम्मी से पता क्या कहेंगे ये वीडियो डिलीट करा दे पर ये वीडियो नहीं डलेगी डलेगी ये वीडियो और देखो कितने शौकीन है हीरे प्याज खाते दारू चाय के साथ चाय पी रहे हैं यार मजाक कर रही थी गाइस बस चाय पी रहे मुंह मत उतारो चाय पी रहे हैं ये भाई खाना खा रहे हैं नोना बच्चा वोरा बस खाना खा के चलते हैं फिर क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा और अब खाना आ रहा है अंशु लेने गया रोटी मम्मी ने नॉन वेज बनाया आज जा रहे हैं घर को अब मम्मी खा रही है खाना हाँ ठीक है कुछ पड़ा है ले जाने लायक कुछ भी सामान हाँ टमाटर नहीं है टमाटर सच में भी नहीं है याद आ गया गाइस टमाटर सच में भी खत्म लोग आ चुके हैं घर और आते ही कुछ भी नहीं किया फेस वेस वॉश करा वॉश मैंने भी कर लिया इन्होंने भी कर लिया और अब बस पड़े हैं नींद तो अभी आ नहीं रही अभी देखो मैं उनसे बोल रही हूँ बाहर चल लो पार्क में घूम के आते हैं कहते हैं नहीं तो इसलिए हम दोनों ऐसे ही पड़े हुए हैं बस अभी टीवी देखेंगे फिर चाय बनाएंगे और सो जाएंगे सोएंगे तो आपको पता है हमारा क्या टाइम होता है 12:30 हो रही है और मुझे लग रही है भूख वैसे तो बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं खाने के लिए बट मसाला मैगी भी बनाने का मन मेरा आज तो आज मैं बनाऊँगी सिंपल मैगी मसाला वाली मेरा मन नहीं है तो आज हम खाएंगे सिंपल मैगी चलो आओ मैगी बनाते हैं भूख लग रही है यार घर से तो खाना खा गई थी मम्मी बोल रही थी ले जा तो मैं लेके नहीं आई तो बना लेते हैं कुछ स्पेशल नहीं बना रही सिंपल मैगी बना रही हूँ मैगी होली मैगी डाली पानी डाला और मसाला डाला जो मैगी के साथ ही आता है तो उसमें तो 4 पाउच थे मैंने एक डाला पर और अपना फिर मैगी मसाला मैं हाफ डाल चुकी हूँ और हाफ और डालूंगी क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी मुझे स्पाइसी खाने का मन नहीं था नॉर्मल खानी थी बट मैगी मसाला ही बना मैं कैसे खा सकती हूँ तब तक मैं खा रही हूँ अपना रोटी चोको पाई जब तक मैगी बन रही है अंदर जाके चलाऊंगी अब सावधान इंडिया मैं इतना ज़्यादा सावधान इंडिया देखती हूँ ना इतने एपिसोड्स देख चुकी हूँ ना मैं मुझे नहीं लगता किसी ने भी देखे होंगे जितना मैं देखती हूँ पता नहीं क्यों मुझे अच्छे लगते हैं क्विक वाली मैगी बन गई है वैसे ये पैकेट पर ही देखते हैं 2 मिनट 5 से 6 मिनट लगे हैं मुझे पूरे बनाने में और सावधान चला रहे हैं हम अपना और रियल मुझे पसंद नहीं है मैं कोक ज़्यादा पसंद करती हूँ बट कोक में नहीं तो मुझे रियल जूस ही पीना पड़ता है आप कहोगे नो और फिर जब कैमरा बंद होगा ना गाइस तब अच्छे से खाएंगे इनका यही हर चीज़ को मना करता है खा रात के 1:30 बजे और मुझे ना रात को खाने की आदत बहुत है रात को मुझे एकदम क्रेविंग होना स्टार्ट हो जाती है तो मैंने आज एक न्यू आइसक्रीम ट्राई करी है फर्स्ट टाइम हो सकता है आप लोगों ने खाई हो बट मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करी है और सच्ची में मुझे बहुत पसंद आई ये है वो इसमें आपको ओरियो के वो दिख रहे होंगे छोटे छोटे दाने इसका नाम है ये क्रीम बेल की शायद पता नहीं किसकी है ओरियो एंड क्रीम और सच्ची ना बहुत टेस्टी है यार ये इसमें ना जो ये छोटे छोटे बीज से आ रहे हैं ना ये ओरियो बिस्किट है सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया इसमें जाके बहुत टेस्टी लग रहे हैं आप लोगों को दिखाई दे रही हूँ कौन सी वाली आइसक्रीम वैसे तो वनीला भी है हमारे पास स्टॉक में बट ये वाली ट्राई करी है मैंने हाँ ये क्वालिटी वॉल्स की है ना कि क्रीम बेल की सॉरी ओरियो एंड क्रीम बहुत टेस्टी है इट्स सिंपली ओरियो बहुत ज़्यादा और कल पता है हमारे घर क्या बनने वाला है आलू गोभी गोभी यहाँ पर है आलू गोभी पूड़ी और रायता बहुत टेस्टी वाला
यार ये आइसक्रीम ना वही सेटल। चलो गाइस चलते हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो गाइस इसी के साथ मैं करती हूँ व्लॉग का एंड, फिर मिलेंगे आपसे एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू गाइस। और मुझे टॉन्सिल हो गए रात को, मैंने मम्मी को बोला था पर मैं दवाई लाना भूल गई। अब गर्म पानी से गरारे करने पड़ेंगे। आप कुछ बता लो, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो। चलो बाय।